आज तो बैसाखी के इस त्यौहार पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि खत्म हो गया है हम सबका इंतजार और अमृता और विराट की जिंदगी में अब होगा सिर्फ प्यार ही प्यार। लेकिन वो क्या है ना कि हम कुछ और सोचते हैं और यहाँ पर कहानी का लेखक कुछ और ही लिख देता है। तो क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज लेकर चलते हैं आप सबको कैसे मुझे तुम मिल गई के सेट पर। जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में आज विराट और अमृता के बीच दिखा एक इमोशनल कनेक्शन, जहां विराट अपने हाथों में मेहंदी सुखाते वक्त उसे जला देता है और तभी ही वहां पर अमृता आ जाती है जो इन सारी चीजों को देख लेती है और बस फिर क्या, वो विराट के हाथों दवाई लगाने बैठ जाती है जहां इन दोनों के बीच हो रही है इमोशनल बातें। वहीं यहाँ एक तरफ इनके बीच नजदीकियाँ बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विराट, अमृता और शेखर ढूंढ रहे हैं उस शख्स को जिसने घर में खड़ा किया है बखेड़ा। वहीं विराट को ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे अधिराज का हाथ है, तभी तो देखिए कैसे उसने सबके सामने उसके नाम का जिक्र किया है। अब बताए यार शेखी, आखिर गई कहाँ? बोलो यार। भाई मैंने आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। फिर अचानक से मेरा ध्यान गया जिस बिल्डिंग में सुमन रहती है उसके सामने एटीएम है, तो वहां के कैमरे पे मिला था, तो मैंने वहां से फुटेज निकाला। लेकिन कैसे बैंक वाले ऐसे किसी को फुटेज तो नहीं देते? नहीं, उस बैंक में हमारा अकाउंट है, हमारी कंपनी का, दैट्स व्हाई उन्होंने कॉपरेट किया था, इनके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात करके छुपा सके। तो उस फुटेज में मैंने देखा कि जिस समय ऑफिसर का काम खत्म करके सुमन घर आ रही थी तो बड़ी रिलैक्स होकर फोन में बात करते थे, जैसे अपने घर के पास पहुंची पता नहीं क्यों हड़बड़ाते हुए फोन में बात करते करते वहां से निकल गई। उसको कैसे पता कि मैं बात करूं उसके घर पे? उसको खुद नहीं पता चला होगा, किसी को पता चला और इन्फॉर्म कर दिया सुमन। लेकिन तुमने किसी को बताया कि तुम सुमन ले? जहां आने को बताया था क्योंकि उनके पास सुमन का एड्रेस था ना, तो एड्रेस मांगने के जहां आंटी थोड़ी ही अलर्ट करेंगे उसे। नहीं नहीं नहीं, कोई तो अलर्ट हुआ है जो कि वहां उस समय मेहंदी में मौजूद था जब आपकी और जहां आंटी की फोन पे बात हो रही थी। और कौन था वहां? अभिराज। अच्छे से जानता हूँ ये सब उसी ने किया है और बहुत बार वार्न कर चुका हूँ भाई उसे, तो बाज नहीं आएगा, अब मार खा के अपना सच उगलेगा। ठीक है, मैं बिना आज जो करना हो करूंगा पर उसका सच सबके सामने लाके ही रहूंगा और बैंकर तुम बीच में नहीं आओगे। नो, फिलहाल तो विराट अमृता सुमन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें सुमन पर भी शक है। तो भाई अब इस खिचड़ी का गोलमाल कैसे सुलझेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, एक्चुअली जो घर जहानकुंवर आंटी का था उसको अधिकारी ने, बीएमसी अधिकारी, इसको हम लोगों ने किडनैप किया था। तो हमने पूछा कि उससे, भाई तू बता कौन है, पहले उसने बताया नहीं, हम थोड़ा सा डराया उसको, मारा नहीं खाली डराया। तो वो घबरा करके उसने बताया कि जो सुमन जो कि अमृता का केस लड़ रही थी जब वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो वो सुमन इनकी इनकी खुद की लॉयर थी, फैमिली लॉयर थी, वो उसने ये सब दादलेबाजी की है। अब हम सुमन के पीछे पड़े हुए हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि सुमन ने किससे, सुमन से ये काम किसने करवाया है। कोई है जो हमारे फैमिली वाला है, कोई तो है जो हमारे आसपास है जो हम सबको अच्छी तरह जानता है। तो ये बात सुमन को पता है कि किसने जहानकुंवर आंटी का नाम अपने नाम पे करवा, गाड़ी सॉरी घर अपने नाम पे करवाया। तो वो तभी पता चलेगा जब सुमन हमारे हाथ में आएगी और हमारी अभी कवायद यही चल रही है कि हम सुमन को ढूंढ रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सुमन को ढूंढने की। हाँ, एक्चुअली ये सीन गया था कि जब मैं तो दूर था क्योंकि उस समय विराट और अमृता ही गए थे सुमन को ढूंढने के लिए, जैसे उसके घर पे उसका वेट कर रहे थे, उनको पता था कि सुमन का घर ही है। लेकिन किसी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया फ़ोन पे कि घर मत जाना, तुम्हारा वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है और प्रॉब्लम में आ जाओगी। तो सुमन वहाँ से भाग गई। अकॉर्डिंग टू सीन मैंने ये देखा कि सुमन के घर के एंट्रेंस के बाहर एक एटीएम है, उसकी फुटेज निकलवाई मैंने, तो पता चला कि सुमन आई नॉर्मली बात करते हुए और अचानक से फ़ोन पे पता चला कि उसके घर में कोई वेट कर रहा है और उसे हड़बड़ा के भाग गई। अब यहीं पर टेंशन क्रिएट हुआ कि उसको कैसे पता चल गया, क्योंकि ये बात सिर्फ अमृता, विराट और मुझे पता थी। तो यहाँ पर टेंशन बिल्ड हो रहा है इस चीज़ का। मैं बताऊँगा तो स्टोरी खुल जाएगी, बता नहीं सकता, बट ऑडियंस को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि शायद स्टोरी वाइज भी उसमें दिखा रखा है कि कौन कौन ये सब कर रहा है, क्योंकि इसमें नाम फंसाया जा रहा है बबीता जी का, ताकि विराट और बबीता आप माँ बेटे आपस में झगड़ें और टेंशन क्रिएट हो। टेंशन कौन कौन क्रिएट करता है हमारी स्टोरी में आप सबको पता है। ट्विस्ट में आगे अभी तो कुछ सारी हिडन चीज़ें हैं और बहुत डिल्यूजनल हैं, कुछ पता नहीं कि आगे क्या होगा, बट ये है कि
अभी कुछ तो इंट्री एग्जिट नए, शायद नए कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, शायद स्टोरी लाइन कुछ अप डाउन जाए, और कविता बबीता का भी कुछ चीज़ है जैसे उसमें दिखाया है कि दोनों खाली दिखावा करते हैं अच्छा होने का, विराज और कविता, तो क्या पता उनकी बोलपट्टी भी खुल सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी उतना क्लियर नहीं आइडिया है क्योंकि हम लोग कट टू कट सीन्स आते हैं तो हम लोग वैसे ही अकॉर्डिंगली करते हैं। आज तो हम बना रहे हैं आपके साथ बैसाखी का ये त्यौहार और लेकर आ रहे हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।